नमस्कार, सुसु संवाद में आपका स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा। 31 मई से डोर टू डोर कचरा उठाने के कर्मचारियों लोग की जो हड़ताल चल रही थी, आज कर्मचारी लोग और कंपनी के लोगों के बीच और नगर परिषद झुमरी तिलैया के कार्यपालक अभियंता विनीत कुमार के बीच में जो वार्ता हुई, आइए उसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 2 सप्ताह से, शहर की सफाई व्यवस्था जो है बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी, जिसका मुख्य कारण था कि जो कंसेशनायर कंपनी है जिसके द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, तो डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य बाधित हो गया था। जो ड्राइवर्स थे और जो हमारे सफाई मित्र या हेल्पर्स थे जिनके द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य निष्पादित किया जाता था, उनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था और वे एक सांकेतिक हड़ताल पर भी थे। तो इसके संबंध में पहले भी वार्ता हुई थी और कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। उसके पश्चात आज जो है उन्हीं बिंदुओं पर समीक्षा के लिए पुनः वार्ता हुई थी, जो वार्ता सफल भी रही। और आज की वार्ता में सभी की सर्वसम्मति से हम लोगों ने जो नियुक्ति की शर्तें होती हैं वो आज फाइनलाइज़ की हैं कि जो भी ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, सफाई मित्र हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र्स भी हैं कई, तो उनकी सेवा शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, उन्हें किन किन सरकारी नियमों के अनुसार किन किन चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए, जैसे उसमें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ है, ESIC के अंतर्गत जो मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ है वह मिलना चाहिए, कार्य के घंटे कितने होने चाहिए, और यदि कोई गाड़ी खराब है अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था, कचरा संग्रहण व्यवस्था अगर किसी अप्रत्याशित कारण से प्रभावित हो रही है, तो उस संबंध में कंसेशनायर की और कंसेशनायर द्वारा प्रयुक्त जो कर्मचारी हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और इन सभी बातों पर बहुत ही विस्तृत विमर्श हुआ। उसके पश्चात पालियों का निर्धारण भी हुआ है, जिसमें कि सुबह 6 बजे से लेकर और अपराह्न 2 बजे तक की प्रथम पाली में कार्य होगा, और द्वितीय पाली का कार्य जिसमें रात्रि सफाई का कार्य भी सम्मिलित है वह 4 बजे अपराह्न से लेकर के 12 बजे मध्य रात्रि तक का किया गया है। यदि किसी कारण से किसी सुपरवाइजर, ड्राइवर अथवा कोई अन्य सफाई कर्मचारी जो हैं उनको यदि उस दिन काम नहीं मिल पाता है किसी गाड़ी के ब्रेकडाउन की वजह से या किसी भी अन्य अप्रत्याशित कारण से, तो उसमें सर्वसम्मति से यहाँ पर कंसेशनायर द्वारा सहमति प्रदान की गई है कि 26 दिनों का कार्य जो है रोजगार उनको महीना में उपलब्ध कराया जाएगा, और जो भी गाड़ी के ब्रेकडाउन अथवा किसी कारण से अगर उस दिन रोजगार नहीं मिलता है तो उस कार्य दिवस को अथवा उस पाली को किसी अन्य अवकाश का दिन जो संडे का होता है या किसी अन्य दिन या किसी अन्य पाली में उसे निश्चित रूप से समायोजित करते हुए 26 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जैसे बरसात के समय में बरसाती का होना, जर्सी देना, फिर गम बूट्स का रहना बहुत ज़रूरी है, जो चूँकि जैसी परिस्थिति में ये काम करते हैं उसमें बूट्स भी इनको रेगुलर इंटरवल पर मुहैया कराने चाहिए। अगर उनमें कोई दिक्कत आ गया है बूट्स में, ग्लव्स में, तो नियमित अंतराल पर इन्हें बदले भी जाते रहना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर लगभग 14 से 15 बिंदुओं पर सहमति भी हुई है, और इन्हीं बिंदुओं के आलोक में हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है नियुक्ति पत्र का भी, और उस नियुक्ति पत्र में जो सेवा शर्तें मेंशन्ड हैं उस पर जो सहमति प्रदान करेंगे जो भी दैनिक डेली वेजेस पर जो कर्मचारी रखे गए हैं, तो वो सहमति पत्र की भी प्रति जो है कंपनी के पास रहेगी, और सभी जो कर्मचारी हैं उनको फोटो आईडी दिया जाएगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दिया जाएगा, और नियुक्ति पत्र में उनकी सभी सेवा शर्तें भी मेंशन्ड रहेंगी, जिस सेवा शर्त के आधार पर निश्चित रूप से कंसेशनायर एवं कंसेशनायर द्वारा जो प्रयुक्त कर्मचारी हैं दोनों की जिम्मेदारी तय होगी। तो पूरी उम्मीद है कि कल से जो व्यवस्था सुबह से शुरू होगी ये व्यवस्था अनवरत जारी रहेगी, और कुछ कुछ गाड़ियों के रिपेयर की दिक्कत है, रख रखाव की समस्या है, तो कंसेशनायर के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 5 दिनों के अंदर ही जितनी भी गाड़ियाँ हैं लगभग सभी गाड़ियों में जिंगल्स भी बजने शुरू हो जाएंगे और सभी का रख रखाव और मरम्मति का कार्य भी 5 दिनों के अंतर्गत ही पूर्ण कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था कल से अगर सुदृढ़ होती है तो हमारे जो नियमित जो सफाई मित्र हैं नगर निकाय के, वो ड्रेन क्लीनिंग और रोड स्वीपिंग जैसे कार्यों में भी उनका वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं, और उससे सफाई व्यवस्था जो शहर की है वो ओवरऑल जो है बहुत इम्प्रूव होगी। मतलब हम ये समझें कि कल से झुमरी तिलैया नगर परिषद के द्वारा जो जिंगल बेल है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी।
कल से वो जिंगल बेल होंगे जिनका मतलब रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, कुछ जिंगल बेल्स ख़राब हो गए हैं, तो 3-4 दिनों में सभी में जिंगल बेल्स बजेंगे। और अभी जिनमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है लगा हुआ है, वो जिनमें काम कर रहा है, कल सुबह से बजना शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी तो हम लोग पूरा प्रयास है कि हम लोग 100% गाड़ियाँ को अपडेट कर दें। इसके लिए हम लोग ने 5 से 10 दिन का समय लिया है। इसमें हमें कोशिश करेंगे कि सारी गाड़ियाँ हम लोग ठीक करके सारे लोगों को जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करें। आपसे लेबर प्रेस सहमत है? हाँ, हमारे तरफ से इन लोगों ने भी अपना आश्वासन दिया है कि आपसे सर हम आपको जो कंपनी को जो भी तरह का ज़रूरत है वो हम पूरा करेंगे, और आपको जो हमारे तरफ से ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के प्रति जितनी भी द्वेषना थी वो सब खत्म हो गई है। आप जो असंगठित मजदूर वर्ग हैं उसके आप में अगुवाई कर रहे हैं, आप क्या नाम हुआ और आपका क्या मांगे थी जो पूर्ण हो गई? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। ऐसे हम CPIML के जिला कमेटी सदस्य हैं और जो यहाँ पर सफाई मित्र हैं उनके अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग का काम बाधित चल रहा था और सैलरी बकाया था, उनका PF बकाया थी, बहुत सारी जो सुविधाएं जो एक कर्मचारियों को मिलनी चाहिए थी वो बकाया था। इसको लेकर के इन लोगों ने काम बंद किया था। हमारे पास जानकारी मिली कि भाई इन लोगों ने काम बंद किया है, तो इसको लेकर हमने अगुवाई किया और लगातार पिछले 10 जून को बैठक वार्ता करके कुछ बिंदुओं पर 10 बिंदुओं पर हम लोग सहमति बनाए थे। सहमति बनी थी, हम लोग पेपर भी बनाए थे, लेकिन वो क्रियावंतित नहीं हुई थी, वर्क में नहीं आया था। तो उसको लेकर के आज पुनः नगर प्रशासक और प्रबंधक और कंपनी के डायरेक्टर के साथ में और मजदूरों के साथ में हम लोग बैठक कर रहे हैं। उसमें पहली मुद्दा थी नियुक्ति पत्र का लेकर के, कभी तक जो वर्कर काम कर रहे थे उनको एक भी कंपनी की ओर से किसी को भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, यानी किसे नहीं पता चलता कि ये वर्कर कहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, दैनिक मजदूरी के रूप में ही काम कर रहे हैं, उनका प्रति माह ही वेतन मिलता है, लेकिन एक उनका एक एम्प्लॉयमेंट होने का एक एहसान होना चाहिए कि हम किसी वर्क कंपनी में काम करते हैं। इसको लेकर के सहमति बनी है कि हम सभी एम्प्लॉयों को नियुक्ति पत्र देंगे, उनकी भी पहचान पत्र देंगे। और सैलरी का जहां बात है तो प्रत्येक 15 तारीख को विगत माह का सैलरी, 15 माह अगले माह को 15 तारीख तक हम वेतन देंगे, इस पर सहमति बनी है। कुछ मांगे हैं जो नॉर्मली हर वर्कर को मिलना चाहिए, उनका सुरक्षा किट का मामला है, जैसे गम बूट है, ग्लैप्स है, बरसात में बरसाती है, जाड़ा के समय में उनका जो जाड़े ठंड से बचने का जो सामान है, ये बहुत नॉर्मली मांगे थी, उस पर भी सहमति बनी है। मतलब हम ये समझें कि कल से आपके जो भी लेबर वर्ग हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो कल से झुमरी तिलैया नगर परिषद के क्षेत्र में काम पर लग जाएंगे। देखिए, अभी तो हम लोग रात के 8 बजने जा रहा है, अभी यहाँ पर से निकलेंगे, उसके बाद कुछ और जो अभी ड्राइवर और हेल्पर एब्सेंट हैं उन लोग के बीच में बात करके कोशिश होगी कल निकाला जाए, कल नहीं निकलेगा तो आगे निकाला। ठीक है, धन्यवाद संजीव जी। आइए कुछ मजदूर वर्ग से बात करते हैं। क्या आप लोग जो मांगे थी वो मांगे मान ली गई है? मान ली गई है। आप लोग कल से काम पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। क्या आप ड्राइवर हैं? हाँ जी। कल से काम पे आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे। आपकी मांगे मान ली गई है? ठीक है, हम लोग सहमत हो गए हैं, कल से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।